अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का 11 सितंबर का ये लाइव ज़ियारत काबा शरीफ का माशाल्लाह से दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से जाएं, कमेंट करें और लाइक 300 टारगेट को ज़रूर पूरा करें, और जो लोग नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसी डेली अपडेट में लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो आज का लाइव ज़ियारत होगा माशाल्लाह से, तो आज का ये चारों तरफ का लाइव ज़ियारत है। और एक भाई हैं जो इंडिया से आए हैं, मिस्टर ओवैस करके, उनका भी कुछ एक छोटा क्लिप दिखाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग देखना। काफ़ी लोग जानते भी होंगे उनको, क्योंकि उनके 1.1 कुछ मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी हैं, तो वो मिले हैं। और उनका मैंने एक छोटा सा एक क्लिप ऐड किया माशाल्लाह से, तो आप लोग देखें और सुने। और इसका आज का मैं आपको डे एंड नाइट का पूरा लाइव ज़ियारत दिखाऊंगा। कुछ क्रिएटर अगर मिलते हैं मुझे यहाँ पे, तो मैं उनकी भी वीडियो बनाता हूँ, तो माशाल्लाह से देखें। और ज़रूर ज़रूर जो लोग चैनल को लाइक नहीं किए अभी तक, ज़रूर लाइक करें, और चैनल को ज़रूर ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करें। तो माशाल्लाह से भाई का क्लिप देखें आप लोग दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आमन मक्का अल्हम्दुलिल्लाह। और यह है आबे जमजम, और आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको देख कर ना आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आबे जमजम का पानी हो, काबतुल्लाह हो, आए है, 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 है। क्या ही फीलिंग्स हैं, क्या ही मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते यहाँ पर की कैफियत। माशाल्लाह से दोस्तों, वो अलग ही कैफियत है। अभी बहुत तगड़ी वाली गर्मी हो रही है, उसके बावजूद भी देखो कि यहाँ का तवाफ है। और आप सोचिए अल्लाह रक जगह पर मुझे बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर खड़े होकर मैं जमजम का पानी पी रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सभी लोगों को यहाँ की हाजिरी अता करे, और सभी ने भी जितने लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा अल्लाह मकबूल करे, सबको यहाँ पर बुलाए। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे, हमारे हिंदुस्तान के हालात दुरुस्त करे, हमारे फ़लस्तीन के हालात दुरुस्त करे। अल्लाह ताला सबकी मदद करे, आपकी तमाम कबूल करे। माशाल्लाह से ये भाई का जो क्लिप था, तो काफ़ी लोग इनको पहचान लिए होंगे। इसी तरह कोई भी अगर हरम शरीफ में आता है, कोई भी जो क्रिएटर वगैरह, तो उनसे जब मुलाकात होती है माशाल्लाह से, तो देखिए अभी एक ग्रुप आया हुआ है। कल भी मैंने काफ़ी ग्रुपों का वीडियो बनाया है, अक्सर मैं ग्रुप का भी वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। चारों तरफ का आपको लाइव अपडेट दे रहा हूँ ग्रुप के साथ, और कोई भी क्रिएटर आ रहा है मस्जिद हरम में, तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक सभी की सारी दुआएं कबूल अता फरमाए, सभी का उम्रा कबूल अता फरमाए। तो ये देख सकते हैं अभी आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, ये देखिए चारों तरफ का इनका ये वीडियो है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कल का जो ग्रुप आया था उसी का सेम ये ग्रुप है दोस्तों, और ये आज का कोई दूसरा इन्हीं का कोई ग्रुप आया हुआ है। तो माशाल्लाह से आज का मैं आपको हजरे अस्वद का और मकाम इब्राहिम का भी वीडियो दिखाऊंगा डे में, तो आप लोग ज़रूर देखना लास्ट तक वीडियो को, और आप लोग ज़रूर ज़रूर पूरा वीडियो देखें, जब भी आपको दोस्तों समझ में आएगा पूरा वीडियो। काफ़ी यहाँ पे लॉन्ग वीडियो और काफ़ी अच्छा अच्छा क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊँगा आज का हरम शरीफ का आगे जाके, तो आप लोग मिस ना करें दोस्तों। तो ये देख सकते हैं अभी यहाँ का, कम से कम दोस्तों आज का ये वीडियो 27 मिनट का होगा, तो आप लोग कम से कम 6 मिनट तक ज़रूर वॉच करें दोस्तों। कम से कम 6 मिनट तक का पूरा लाइव अपडेट देखें, और चैनल को लाइक और कमेंट करें। आप कमेंट करेंगे तो आपका नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगा इंशाल्लाह दुआ के लिए। काफ़ी लोग आमीन कहते हैं, अल्लाह पाक का पता किसका आमीन कबूल हो जाए दोस्तों। ये देखिए माशाल्लाह से मुल्तजम के पास का ये वीडियो है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, काफ़ी ज़्यादा आगे क्राउड है दोस्तों, ये देख सकते हैं इस साइड में माशाल्लाह से। देखिए अल्लाह अकबर माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो फर्स्ट कमेंट आया हुआ है दोस्तों तरन्नुम करके 4713, कल के वीडियो में जो मैं कल का वीडियो जो अपलोड किया था उसमें काफ़ी लो रिस्पांस आ रहा है कुछ दिनों से दोस्तों आप लोगों का। आप लोग पूरा वीडियो देख करिए, देखिए हजरे अस्वद के पास भी कितना ज़्यादा क्राउड है दोस्तों माशाल्लाह से। देखें वीडियो थोड़ा फ़ोन इधर उधर हो रहा, थोड़ा डिसबैलेंस बन रहा है दोस्तों माशाल्लाह से। देखें ये मुल्तजम साइड का ये वीडियो, ये पीछे साइड से वीडियो है दोस्तों। और नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, साथ में मैं कमेंट भी बताता रहूंगा आप लोगों को, और साथ में पूरा लाइव जियारत भी कराता रहूंगा दोस्तों। ये चारों से कॉर्नर साइड का वीडियो है, यहाँ से डे टू आवर दोस्तों। आज का टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आज का। इसके बाद जो सो ऊपर की तरफ जाएंगे फ्लोर का वीडियो कुछ आएगा, वो भी आप लोग देखें। जीनत करके एक
ID 3719। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे लिए भी दुआ करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक सभी की सारी जायज़ दुआएं कबूल अता फरमाएं। जितने लोग भी डेली कमेंट करते हैं, काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हैं, अल्लाह पाक सभी की सारी जायज़ दुआएं कबूल अता फरमाएं। आमीन। दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए, कभी ना कभी तो दुआ आप लोगों की ज़रूर इंशाल्लाह कबूल होगी। तो माशाल्लाह से देखिए अभी यहाँ का, और ये फ्लोर का मैंने अभी दिखाया आपको वीडियो, इसके बाद का जो वीडियो आएगा बाहर साइड का, ये देखें, ये कुछ हल्का सी दोस्तों, काफ़ी एक जगह खड़े नहीं रहना मिलता, इसीलिए अलग अलग जगह का जल्दी जल्दी वीडियो बनाना रहता है क्लिप में, कि आप लोगों को चारों तरफ का क्लिप दिखा सकूं। यहाँ पे कबूतर हैं काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग जो दाने वगैरह लाते हैं, कुछ लोग अपने कंट्री से लाते हैं डालते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग खरीद कर डालते हैं। यहाँ से देखें माशाल्लाह से। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और आप लोग वीडियो भी देखते जाएं। आलिया शेख, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हमें भी काबा शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाएं, और अल्लाह हमारे भी दुआ को कबूल फरमाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा वीडियो है, हमारे लिए दुआ करें प्लीज़ इंशाल्लाह। इनके कमेंट में 6 लाइक है दोस्तों। सुमायला परवीन, अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे घर वालों के लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक हमें भी नसीब करें मक्का मदीना की ज़ियारत इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह पाक सभी को, तमाम मुसलमान को इस घर की ज़्यारत नसीब हो। तो दोस्तों ये स्ट्रीट है जहाँ की मैंने वीडियो बनाया था कुछ फूड वगैरह की, पिछली वीडियो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ये स्ट्रीट में फूड फ्री वगैरह में कुछ मिलता है, उसके बाद फिर आगे का वीडियो, तो पिछली वीडियो जो जो लोग नहीं देखें जाके वो भी चेक कर सकते हैं, शॉर्ट में वीडियो है दोस्तों। अब जितना वीडियो आएगा दोस्तों शाम का, क्योंकि मेरा जो डे का वीडियो है ज़्यादा वक्त नहीं रहता है डे में बनाने का, नाइट का पूरा फुल अपडेट के साथ आता है, काफ़ी लॉन्ग वीडियो में आता है दोस्तों नाइट का वीडियो, और काफ़ी अच्छा क्लिप लाता हूं दोस्तों, तो नाइट का वीडियो कभी ना मिस किया करें दोस्तों। आगे नाइट का वीडियो रहता है शाम के वक्त का, वो काफ़ी लॉन्ग में मिलता है पूरा वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर आप देखें अभी ये धीरे धीरे शाम का वक्त का ये वीडियो नज़ारा माशाल्लाह से चारों तरफ का। उसके बाद नफीसा कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, हमारे फैमिली के लिए हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम भी घर की ज़रूरत नसीब अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों एक कमेंट करें, और सभी लोग कमेंट कर दिया करें, आप लोग भी डेली कमेंट करते हैं, इंशाल्लाह सभी की सारी जायज़ दुआएं कबूल होंगी माशाल्लाह से। तो 7 मिनट का ये वीडियो मुकम्मल हुआ आज का, काफ़ी लॉन्ग वीडियो के साथ अपडेट लाया हूँ। अभी ये शाम के वक्त का ये मस्जिद हरम का ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत सा मंज़र माशाल्लाह, पीछे साइड से भी पूरा वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं काफ़ी लोग आ रहे हैं जो अपने अपने होटलों से रूम से आ रहे हैं अभी। सभी के अल्लाह पाक सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। आमीन। सईदा 786, अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारी परेशानियों को और बीमारियों को दूर करो इंशाल्लाह, सभी की सारी इज्जत हो अल्लाह पाक कबूल अता फरमाए। और दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जाए, दूसरे के कमेंट में आमीन लिखें, लाइक करें, वो लोग भी आप किस में करेंगे दोस्तों, क्या पता किसका आमीन कबूल हो। ये माशाल्लाह से आज का देखिए काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो है, काफ़ी माशाल्लाह से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग क्लियरिटी के साथ एकदम, ये चारों तरफ हरम शरीफ का शाम का वक्त का दोस्तों लाइव दिखा रहा हूँ आप लोगों को, एकदम लाइव ज़्यारत चालू है। आज का नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है दोस्तों, जब नेटवर्क का इशू होता है, जब भी थोड़ा वीडियो आगे पीछे इरर हो जाती है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ से माशाल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद दोस्तों कुछ हदीस वगैरह चले तो आप लोग सुने और अमल करें, अल्लाह पाक सभी को सुनने और समझने का तौफीक दे। आमीन। देख सकते हैं मुल्तजम के जस्ट सामने का ये फ्रंट का व्यू है दोस्तों, आज का ये पूरा 11 सितंबर का लाइव ज़्यारत है कंटिन्यू दोस्तों। नेक्स्ट कमेंट की तरफ दोस्तों, मैं इनसे सभी का कमेंट लेने की पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों, कि सभी का मैं कमेंट बोल दूं वीडियो के अंदर, और आप लोग बेफिक्र रहे, मैं सभी का कमेंट रीड करता हूं डेली वीडियो के क्लोज होने के बाद। फिज़ा खान ने कमेंट किया, भाईजान मेरी शादी के लिए दुआ करना मक्का में, फिज़ा
अल्लाह पाक इनकी सारी जायद दुआ कबूल अता फरमाए, आमीन। जी भाई 564 माशाल्लाह, आमीन। यास्मीन फ्रॉम पाकिस्तान, मेरी और मेरे अबू की सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक सभी की सेहत और बीमारियों से फाता फरमाए, आमीन। माशाल्लाह फातिमा सुल्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हारून ने कमेंट किया, दोस्तों अभी जितना थोड़ा सी अंदर का वीडियो है शाम के वक्त का, इसके बाद का जो आएगा वापस हरम शरीफ का अंदर का वीडियो आएगा, तो आप लोग देखना मिस न करो। और ये हदीस सुने माशाल्लाह से प्रेयर रूम में, जो कि आप लोगों को सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। और वीडियो कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, आप लोग वीडियो भी देखते जाएँ और हदीस भी चालू रहेगी तो आप लोग देखें। और हदीस के बाद 5-6 मिनट की ये हदीस की दोस्तों है, तो इसको सुने। उसके बाद जो आप लोगों का कमेंट रह गया मैं सभी का कमेंट रीड करूंगा, और पूरा फुल वीडियो आपको अभी मैं शाम का रूफ टॉप का और सफा मरवा का भी दिखाऊंगा, तो आप लोग वो भी देखें दोस्तों, पूरी देखने की कोशिश करें वीडियो को इंशाल्लाह। तो सुने माशाल्लाह से उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना पाया था, तमाम अंबियाए किराम का दस्तूर रहा है कि वो अपने हाथ की कमाई से गुजर बसर किया करते थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अपने गुजारे के लिए सुतारी बढ़ी का पेशा इख्तियार कर रखा था। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदाए मोहतरमा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की हिफालत और तरबियत फरमाई थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं थी और उनके खानदान में कोई शख्स उनके बाद बनी इसराइल के वहदायत खिदमत अंजाम देने वाला नहीं था। इसलिए उन्हें हमेशा ये फिक्र रहती थी कि मेरे बाद ये काम कौन करेगा। एक मर्तबा मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम के फल देखकर पूछा कि मरियम ये कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ से है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, जो खुदा बेमौसम के फल देने पर कादिर है तो वो बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। चुनांचे उन्होंने अल्लाह ताला से एक नेक सौले औलाद मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और बड़ी उम्र में हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमाया। नंबर दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरत। बारिश के मौसम में जब हल्की धूप में बारिश होती है तो आसमान पर एक जानिब से दूसरी जानिब सात रंगों वाली कमान जाहिर होती है। कमान के ये मुख्तलिफ रंग आसमान के हसन और खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। इसको देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर आसमान की इस बुलंदी पर किसी कैसे चंद मिनटों में इतनी बड़ी खूबसूरत और हसीन फौज किसने बनाई। बेशक ये अल्लाह ताला की अल्लाह ही की जात है जो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने कुदरत का इजहार फरमाते हैं। नंबर तीन, एक फर्ज के बारे में असर की नमाज की फजीलत। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई और फिर लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया कि नमाज उनसे पहले वाले लोगों पर भी फर्ज की गई थी, मगर उन्होंने इसको जाय कर दिया। लिहाजा सुनो, जो इसको पाबंदी से पढ़ता रहेगा इसको दोहरा सवाब मिलेगा। नंबर चार, एक सुन्नत के बारे में मेहमान का अच्छे अल्फाज से इस्तेमाल। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कैलूला बनो अभी नए बनो, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अभी नए बनो अब्दुल क़ैस के लोग आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा, यानी आपका आना मुबारक हो। फायदा, जब कोई मेहमान आए तो खुशी में मरहबा या इस तरह के अल्फाज कहना सुन्नत है। नंबर पाँच, एक अहम अमल की फजीलत, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन सा
साथी वो है जो अपने साथी के लिए बेहतर हो, और अल्लाह के नजदीक बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के हक में अच्छा हो। नंबर छः, एक खुदा के बारे में रसूल की नाफरमानी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सब उम्मती जन्नत में जाएंगे मगर जिसने इनकार कर दिया वो जन्नत में दाखिल ना होगा। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह इनकार कौन करेगा? फरमाया, जिसने मेरी इताअत की जन्नत में दाखिल हो गया, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। नंबर सात, दुनिया के बारे में माल के मुतालिक फरिश्तों का ऐलान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज जब अल्लाह के बंदे सुबह को उठते हैं तो दो फरिश्ते नाजिल होते हैं, उनमें से एक कहता है, ए अल्लाह अच्छे कामों में खर्च करने वाले को मजीद अता फरमा, और दूसरा कहता है, ए अल्लाह माल को अच्छे कामों में खर्च करने के बजाय रोक कर रखने वाले का माल ज़ाया फरमा। आखिरत के बारे में, कयामत के दिन आमाल का बदला मिलेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स कयामत के दिन नेकी लेकर हाजिर होगा तो उसको इस नेकी से बेहतर बदला मिलेगा, और जो शख्स बदी लेकर हाजिर होगा तो ऐसे बुरे आमाल वालों को सिर्फ उनके कामों की सजा दी जाएगी। नंबर नौ, तिब्बे नबी से इलाज। हर मर्ज का इलाज मौजूद है। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद था कि कुछ देहात के रहने वाले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह क्या हम दवा करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो जरूर दवा किया करो, इसलिए कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी दवा अल्लाह ने तब पैदा की हो सिवाय एक बीमारी के, और वो बुढ़ापा है। नंबर दस, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, रिश्तेदारों यतीमों मिस्कीनों के साथ भी अच्छा बर्ताव करो, लोगों से खुश अखलाकी से बात करो, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। अल्लाह के नज़र से ज़्यादा माशाल्लाह हदीस पूरी हुई, और ये 17 मिनट का ये वीडियो मुकम्मल हो चुका है दोस्तों, हरम शरीफ का ज़ियारत के साथ। और थोड़ा सी फ़ोन का डिसबैलेंस बिगड़ रहा है, इसके वजह थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी थोड़ा सही हो गया दोस्तों। तो अभी का ये पूरा लाइव ज़ियारत कंटिन्यू रहेगा, 17 मिनट 45 सेकेंड का वीडियो मुकम्मल, और 27 मिनट का आज का जैसे कि वीडियो रहेगा, नाइट का पूरा काफ़ी लॉन्ग वीडियो में मैंने आपको दिखाया। तो माशाल्लाह से आप लोग पूरा देखा करें वीडियो अच्छे से, एक एक अल्लाह पाक सभी को सारी दुआएं, सभी की सारी जायज़ दुआएं कबूल ता फरमाए। नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तहसीन बेगम करके काईटी है, आमीन अल्लाह अकबर, हम मती को दुनिया और आखिरत के आजाब से बचाए, आमीन अल्लाह अकबर इन्होंने लिखा है। उसके बाद आमीन आमीन काफ़ी लोगों ने आमीन लिखा दोस्तों, आमीन लिखना ना भूलें आप लोग, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें दोस्तों, 300 टारगेट को ज़रूर से पूरा करें, क्योंकि कल की वीडियो में काफ़ी कम लाइक है दोस्तों, उसको भी जाके ज़रूर ज़रूर पूरा करें। मुमताज़ करके एक आईडी है, 804, अस्सलाम वालेकुम वंदन बेटा, हदीस बहुत अच्छी थी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दुआ करो आमीन या रब्बुल आलमीन, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अयूब अदनान भाई इंडिया, हमारे लिए भी दुआ करें आमीन। नजीमा जहूर 4956, इनकी आईडी दुआ करें हमारे लिए भी आमीन इंशाल्लाह। माशाल्लाह से देखिए अभी की तरफ ये सामने का ये काफ़ी, अभी थोड़ा यहाँ से काफ़ी लॉन्ग वीडियो होने वाला है दोस्तों, यहाँ से आगे से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, आगे से जाके फिर पीछे जाना काफ़ी टाइम लग जाता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड से फिर वीडियो अगर कंटिन्यू रहेगी तो फिर और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, 40-50 मिनट की वीडियो बन जाएगी ऐसे में, इसीलिए थोड़ा कट कट करके वीडियो ऐड करना रहता है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी माशाल्लाह से ये पीछे साइड से थोड़ा सी वीडियो है, ये थोड़ा मैं जूम करके आप लोग दिखा रहा हूँ, काफ़ी पीछे से वीडियो है ये, क्योंकि जूम करने में काफ़ी ज़्यादा आगे का कुछ
हल्का सी काफी अच्छा व्यू आता है। 20 मिनट का वीडियो मुकम्मल हुआ, 7 मिनट का 8 मिनट का ये वीडियो और बचा हुआ है। तो अभी भी जिसने भी पूरा वीडियो नहीं देखा जरूर जरूर देखे, और जो लोग देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप लोग वीडियो देख के भी दुआ मांगिए अल्लाह पाक से, सभी को इस घर की ज़्यारत नसीब, और जो लोग आ चुके हैं अल्लाह पाक उन सबको बार बार आना नसीब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नौरीन अशरफ 516, प्लीज प्रे फॉर माय सन अब्दुल रहमान। सैयद अलीम अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे बच्चों के लिए दुआ करो। ज़हरा फातिमा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। मेरे भाई की तबीयत के लिए दुआ करो प्लीज इंशाल्लाह। एमडी साजिद के लिए, सजीद के लिए दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। मोइनुद्दीन काजी, वेरी वेरी गुड वीडियोस, आमीन। ये पूरा आज का मक्का शरीफ का पूरा एक लाइव। जाकिर हुसैन भाई ने कमेंट किया, अस्सलाम वालेकुम जाकिर हुसैन, बोल रहा हूँ इंडिया से, हमारे बीच में भी नाम लेकर दुआ करिया करो इंशाल्लाह। जाकिर भाई ज़रूर, अल्लाह पाक आपकी सारी जायज़ दुआएं कबूल अता फरमाए। जितने भी नए सब्सक्राइबर उनका मोस्ट वेलकम दोस्तों आप लोगों का। तो ये पूरा पीछे से वीडियो क्लॉक टावर के जस्ट सामने का ये वीडियो है दोस्तों, माशाल्लाह तवाफ का भी ये वीडियो आ रहा है दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन क्लिप लाने की मैं ज़रूर ज़रूर कोशिश करता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, अच्छा सा अच्छा क्लिप ऐड करूँ आप लोगों के लिए, और पूरा आपको हरम शरीफ का अच्छा सा अच्छा व्यू दिखाऊँ दोस्तों। अगर आप लोगों को और कहीं की भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना कि उधर की भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, पाक सभी को इस घर की ज़रा नसीब हो, आमीन। सभी की सारी परेशानियाँ दुख गम सभी की दूर हो अल्लाह पाक। ये पूरा क्लोज का व्यू है दोस्तों अभी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद दिलसाद फातिमा जज़ाकअल्लाह खैर, जुहेल माशाल्लाह, मीमन शेख अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खैरियत, मुझे उमरा पर आना है, आप हमारे लिए दुआ करिए हजरत अस्वद को देखकर इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सभी को उमरा में बुलाया आफियत के साथ, आमीन। अभी ऊपर फ्लाइट के फ्लोर का वीडियो है दोस्तों, ये सफ़ा मरवा का छोटा सी क्लिप है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्राउड है अंदर, तो एक छोटा सी क्लिप ही ऐड हो पाया दोस्तों, क्योंकि जब क्राउड कम होता है तो फिर फुल वीडियो अंदर की मैं बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। Z3 गेमिंग करके एक आईडी उन्होंने भी कमेंट किया, आमीन या रब्बुल आलमीन। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, और उसके बाद का आप जितना भी वीडियो होगा दोस्तों बाहर साइड का होगा, क्योंकि अब जितना वीडियो अंदर का था सुबह से लेकर शाम तक का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ स्ट्रीट वगैरह का ये वीडियो है बाहर साइड का, कुछ क्लॉक टावर के पास का वीडियो रहेगा, कुछ रोड साइड का वीडियो रहेगा। अल्लाह पाक सभी को सभी की सारी आज की सारी जायज़ दुआएं कबूल अता फरमाए, आमीन माशाल्लाह। तो दोस्तों अगर वीडियो में किसी का भी चेहरा आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी का भी अगर कोई आए तो आप लोग ज़रूर ज़रूर इग्नोर करें, क्योंकि मैं सभी को जो लोग इंडिया से या कोई भी अदर कंट्री से मिलते हैं तो वो जब मेरी वॉइस ओवर सुनते हैं तो उनको मैं फ़ोन दे देता हूं कि आप लोग थोड़ा सी अपना क्लिप ऐड कर दें, फिर वो अपने घर से जाके देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग इससे बेफिक्र रहें। मुबीन हिराज ने कमेंट किया 2519, इनका कमेंट अदनान भाई आपकी वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस वक्त हरम शरीफ में हूँ, दुआ में याद रखें, आमीन इंशाल्लाह ज़रूर। देख सकते हैं कितना क्राउड है नाइट के टाइम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
अलग अलग जगह का ये पूरा क्लिप है, देखे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन से प्यारा सा व्यू है माशाल्लाह से। कुछ दिन पहले काफी ज्यादा बारिश हो रही थी दोस्तों, अभी एकदम बिल्कुल मौसम क्लियर है। 25 मिनट का वीडियो मुकम्मल हुआ, 3 मिनट का और वीडियो बचा। इंशाल्लाह सभी का कमेंट जल्द से जल्द मैं बोल दूं। आशिया करके 1501 अमायरा इंडिया से नाम लेके दुआ कीजिए इंशाल्लाह। तो दोस्तों मैं वीडियो क्लोज होने के बाद सभी का जो जो कमेंट आता है मैं कमेंट रीड करके दुआ करता हूँ। आप वीडियो जब चालू रहती है तो मैं सभी का जल्दी जल्दी नाम ले लेता हूँ, क्योंकि आप लोग सुन लें अपना नाम कमेंट में आपने क्या किया, और दूसरे लोग भी सुनते हैं तो वो आमीन कहते हैं, इससे सभी की दुआएं को कबूल होना इंशाल्लाह सभी सारी जायज दुआएं कबूल होंगी। मिकदात हसन आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये देख सकते हैं सेंट्री स्टोर करके एक आईडी है अदनान। वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद फैसल इंडिया से बोल रहा हूँ, हमारे लिए दुआ करें। तो दोस्तों ये छोटा सी एक क्लिप है, बताना आप लोगों को कैसा लगा आज का ये जितना भी वीडियो बनाया था, उसको मैंने छोटा सी एक क्लिप में ऐड किया है चारों तरफ का, दो दो सेकंड का वीडियो। लास्ट का ये वीडियो एक ग्रुप था उनके साथ का, ये थोड़ा वीडियो है ये देख सकते हैं। उसके बाद ये डे 8 था एक भाई का, तो उनके साथ का ये वीडियो। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा वीडियो एडिट हुआ है दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह देखिए कितना क्राउड है यहाँ पे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, और कल का जो दिन रहेगा 12 सितंबर, और इसी तरह अभी थोड़ा कुछ दिन तक लॉन्ग वीडियो चलेगी, फिर उसके बाद शॉर्ट वीडियो आएगी, क्योंकि रिकमेंड का मेल आया कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो क्रिएट करें, क्योंकि जब तक लॉन्ग वीडियो क्रिएट नहीं करूँगा दोस्तों दूसरे तक वीडियो नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि सभी लोगों को वीडियो देखना रहता है हरम शरीफ के एकदम लाइव ज़्यारत, जो लोग उम्र पे आते हैं और जो जिनके फैमिली आती है तो वो लोग ज़रूर अपने घर से वीडियो देखते हैं। अल्लाह पाक सभी को घर में बुलाए और सभी की सारी जायदाद कबूलता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम।